दोस्तों आप सभी का हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। अब यह क्लिप को देखें जहां पर समुद्र में इस अजीब जानवर को पकड़ा गया। वैसे तो यह ऑक्टोपस है लेकिन इसका शेप किसी एलियन के जैसा ही है, इसीलिए इसे देख यहां पर मौजूद लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और यहां पर यह जानवर अपने मुँह को काफी अजीब तरीके से खोल भी रहा था। दोस्तों अभी क्लिप में दुकान का मालिक फोन में इतना घुस जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसके पास क्या हो रहा है, जो किसी का फायदा उठाते हुए यह चोर रेंगते हुए दुकान में अंदर आ जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यह व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता। वे तो अच्छा था कि इसके घर के लोग सीसीटीवी में यह नजारा देख इसे फोन करके बता देते हैं और तब जाकर यह व्यक्ति चोर को ढूंढ उसे पकड़ लेता है। दोस्तों अभी किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर यह व्यक्ति टीवी पर गेम खेल रहा था और तभी वह गेम में हार जाता है, जिससे वह गुस्से में वह कंट्रोलर को जमीन पर पटक देता है। पर किस्मत खराब होने के वजह से वह कंट्रोलर उछलकर जाकर टीवी पर गिर जाता है और इसी की वजह से टीवी के स्क्रीन के साथ इसका मूड भी खराब हो जाता है। अब इस क्लिप में यह व्यक्ति कई सारे कोबरा के साथ लेटा हुआ था, जहां पर वह बिना डरे सांप को उठाकर अपने शरीर पर भी रख ले रहा था, जो कि यह मंजर दिखने में काफी भयानक लग रहा है। कमाल की बात यह है कि सांप भी यह व्यक्ति को कुछ भी नहीं कर रहे थे और यही कारण की वजह से यह व्यक्ति सांपों के साथ नहाता भी है। आप लोगों ने कई सारे तूफान देखे ही होंगे, पर यह तूफान काफी भयानक था क्योंकि यहाँ पर आसमान में काले बादल मौजूद थे और नीचे विशाल और भयंकर तूफान था, जो कि यह घटना 2017 चाइना में देखा गया था, जहाँ पर यह तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि वह पूरे शहर को तबाह करते हुए जा रहा था और इसी वजह से यहाँ पर मौजूद लोग अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिए थे, जो कि रोड पे जितने भी सारे चीज थे वो सारे तूफान के लपेटे में चले जा रहे थे। अब यह क्लिप में एक व्यक्ति लोहे के रॉड को अपने कंधों पर उठा रहा था, वो भी वह बिना आसपास देखे ऐसा कर रहा था, जो कि वह रॉड सच में काफी ज्यादा बड़ा था और इसी की वजह से वह रोड में जब यह कैब आ रहा था तो अचानक ही यह रॉड उस कैब के विंडशील्ड के अंदर चले जाता है। अच्छी बात यह थी कि कार वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं होता और वह बार बार बच जाता है, क्योंकि अचानक ही रॉड ऐसा विंडशील्ड के अंदर घुसने से बहुत कुछ हो सकता था। अभी बादल फटने से कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो कि एक ही जगह पर बहुत ज्यादा पानी भी गिरने लगता है, जिसे सुनामी भी कहा जा सकता है क्योंकि ये सुनामी की तरह ही काफी खतरनाक होता है, जहां पर इसके नीचे जितने भी चीज मौजूद होते हैं वो सारे चीज तबाह हो जाते हैं और इसी की वजह से यह नजारा काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये क्लिप में महिला आराम से बोट पर बैठी हुई थी, तभी अचानक वहां पर व्हेल ऐसा जंप करके बर्ड्स को खाने जाता है, जिसे यह महिला व्हेल के मुंह के अंदर जाने से बार बार बच जाती है। यहाँ पर यह व्यक्ति बेकाबू कार के अंदर सीधा जाकर कूद जाता है। इसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि कार आगे जाके टकराए ना, जो कि इसी की वजह से जब यह व्यक्ति ऐसा कूद जाता है तो वह कार को कंट्रोल करके टकराने से बार बार बचा लेता है और आप लोग देख ही सकते हैं कि कार टकराने से बहुत नजदीक था। यहाँ पर जब यह व्यक्ति ठंडे पानी को बर्फीले जगह पर ऐसा फेंकता है तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वह पानी बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही नीचे ड्रॉप हो जाता है, पर वहीं पर जब गर्म पानी को ऐसा फेंका जाता है तो वह तुरंत ही बर्फ में बदल जाता है। यहाँ पर यह टीचर अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही थी और इसी की वजह से यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बिना हिले खड़े हुए थे, जहाँ पर अचानक ही एक बुल को छोड़ दिया जाता है, जो कि वो बुल किसी पे बिना हमला करे गैप के अंदर से जा रहा था और ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को पता चल पाए कि बुल उन पर हमला नहीं करता जो कि हिलते नहीं है। अभी यह शो में लोग कई सारे जानवरों को देखने आए थे, जहां पर बहुत सारे घोड़े भी थे और इसके अलावा यहां पर 3000 शिप्स को भी देखा गया, जो कि एक फॉर्म में बनाकर ऐसे चल रहे थे। यहां पर सबसे अनोखा नजारा तो ये था क्योंकि यहां पर एक महिला एक ही साथ 3 हॉर्सेस को चला रही थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।